आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता संभव होगी या नहीं, ये कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा। दरअसल ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार चाहते हैं कि समान विचारधारा वाले दल लोकसभा की 543 में से 474 सीटों पर इकलौता उम्मीदवार खड़ा करें। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षियों की बात कांग्रेस मान लेगी? क्या है कांग्रेस की रणनीति विपक्षी एकता को लेकर? ये बड़ा सवाल है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल को छोड़कर इस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस के हिस्से 244 सीटें आती। ऐसे में कांग्रेस अगर दिल बड़ा कर नहीं करेगी तो विपक्षी एकता संभव कैसे होगी? दरअसल विपक्षी एकता को लेकर 12 जून को नीतीश की अगुवाई में पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। जेडीयू, एनसीपी, टीएमसी ये चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए तेलंगाना, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल को छोड़कर उन्हीं सीटों पर दावा करे जहां पार्टी बीते चुनाव में पहले या दूसरे नंबर पर थी। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इन चार राज्यों को छोड़कर कांग्रेस के हाथ 244 सीटें ही आएंगी। बीते चुनाव में पार्टी इन चार राज्यों को छोड़कर 192 सीटों पर भाजपा से सीधे मुकाबला कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि पार्टी को 52 सीटों पर सफलता मिली। आप समझिए कि अगर इस फॉर्मूले से काम होता है तभी बात आगे बढ़ेगी और तभी विपक्षी एकता का कोई अस्तित्व दिखेगा, यानी कांग्रेस को दिल बड़ा करना होगा। जनता परिवार को जोड़ने में नीतीश कुमार की कवायद देखने मिल रही है। मुलाकातों का दौर जारी है और 12 जून को भी वो बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कि राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा वाले नीतीश विपक्षी एकता के साथ जनता परिवार को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। बिहार में भाजपा से दूरी बनाने के बाद एकीकरण के लिए नीतीश की रालोद, सपा, इनेलो और राजद से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। नीतीश को ऐसा लगता है कि अगर एकीकरण हुआ तो उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और कर्नाटक में भी बढ़ता दिखेगा। जनता दल परिवार में अब पीएम पद के दावेदार बचे नहीं है। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, एचटी देवगौड़ा की उम्र हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी को सारा ध्यान अपनी जो है वो राजनीति पर केंद्रित कर रहे हैं, यानी बचा कौन? सिर्फ एक नीतीश कुमार। अब आप देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो कर्नाटक के नतीजों के बाद जो परिस्थिति है, जो कांग्रेस की स्थिति है, उन दोनों में परिवर्तन आया। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस आत्मसमर्पण की मुद्रा में थी। विपक्षी एकता के लिए हुई बैठकों में उसका रुख बेहद रक्षात्मक था, डिफेंसिव खेल रही थी, लेकिन कर्नाटक के नतीजे के बाद पार्टी अब शर्त वाली हो गई। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उसका आम आदमी पार्टी, बीआरएस, केरल के वाम दलों से समझौता हो ही नहीं सकता। इसी शर्त के मद्देनजर नीतीश, ममता, पवार ने समझौते के लिए 474 सीटों के फॉर्मूले को पेश किया है। जेडीयू सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर पटना की बैठक में बात नहीं बनी तो विपक्षी एकता बेहद मुश्किल हो जाएगी। जिस पटना बैठक की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। 12 जून में ये बैठक होने वाली है, 12 जून को, और ये बैठक बेहद अहम है। जेडीयू के जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, वो ये कहते हैं कि 12 जून को विपक्षी दलों की ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। ममता, नीतीश कुमार, शरद पवार ये चाहते हैं कि कांग्रेस इस बैठक में 474 सीटों में से महज 244 सीटों पर ही लड़ने के लिए राजी हो जाए, और अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई तो विपक्षी एकता की संभावना पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। जेडीयू सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन की सबसे अधिक जरूरत कांग्रेस को है, ऐसे में उसे ही अपना दिल बड़ा करना होगा। 12 जून की यह बैठक ही स्पष्ट करेगी कि 2024 में विपक्षी एकता को लेकर किस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी। इन सब के साथ कुछ विपक्षी नेता ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस को 244 सीटों तक ही सीमित रहना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर उसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर अपनी शर्त इसलिए थोप रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम प्रयासों के बाद भी कोई करिश्मा नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाया, लेकिन इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, कर्नाटक में जीत जरूर दिखाई पड़ी, लेकिन उसका श्रेय भी सीधे सीधे राहुल गांधी को नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस की कठिनाई यह है कि यदि वो 250 सीटों पर चुनाव लड़ती है और अधिक कमजोर हो सकती है। 2014 में 2019 के आम चुनाव में वो इतनी भी सीटें नहीं जीत सकी थी कि विपक्षी दल का आधिकारिक दर्जा उसे हासिल हो सके। यदि वो आने वाले आम चुनाव में विपक्षी दलों के साथ अपने पक्ष में माहौल नहीं बना सकी तो 50-60 सीटों से आगे निकल पाना भी उसका मुश्किल है, और इसका सीधा नुकसान विपक्षी एकता को होगा।
कांग्रेस भले ही ये मानकर चल रही हो कि भारत जोड़ो यात्रा ने उसके पक्ष में माहौल बना दिया है, लेकिन सच तो ये है कि अब उस यात्रा का असर फीका दिख रहा है। शायद इसी कारण कांग्रेस अदानी मामले को तूल दे रही है। उसे लग रहा है कि उसके जो मुद्दे जो हैं वो खो चुके हैं, उन्हें चुनाव तक खींच कर ले जाएगी। संसद के उद्घाटन का मुद्दा, अदानी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। लेकिन विपक्षी एकता के लिए सक्रिय हुए शरद पवार ऐसा नहीं मानते। आपको याद होगा शरद पवार ने भी ऐसा संकेत दिया था कि अदानी मामले को तूल देने के वो पूरी तरह से खिलाफ है। कांग्रेस अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने पर जोर दे रही थी और उस पर शरद पवार का अलग रुख दिखाई पड़ा था। अब आप समझिए कि कांग्रेस अगर 244 सीटों के फॉर्मूले पर नहीं खेलेगी, अपना दिल बड़ा नहीं दिखाएगी, तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की जो तस्वीर, एक जो फ्रेम तैयार होने की बात कही जा रही है 2024 चुनाव से पहले, वो तैयार नहीं हो पाएगा। लगातार ये कोशिश हो रही है ममता बनर्जी की, लगातार ये कोशिश हो रही है शरद पवार की कि ये जो पूरा मामला है विपक्षी एकता को लेकर, ये कांग्रेस पार्टी अगर इसमें अपना दिल बड़ा करती है तभी ये मामले ठीक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के सामने 2024 में दिखाई पड़ेंगे, अन्यथा वही पिछले साल पिछले बार चुनाव वाली तस्वीर नजर आएगी कि एक साथ मंच पर तो सब हाथ उठाते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए सबकी प्रधानमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षा थी वो इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा प्रबल थी कि एक साथ तो दूर एक दूसरे की बात करने से भी कतराने लगे थे चुनाव के पहले तक। इधर कांग्रेस की एक मुश्किल ये भी है कि जो विपक्षी दल उसका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। ये मानने के अच्छे भले कारण ये भी हैं कि जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे हैं वो खुद भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वाला ही फैक्टर पिछली बार विपक्षी एकता को कमजोर कर गया था। कई विपक्षी नेता, खासकर ममता बनर्जी हुए, केसीआर हुए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ही नहीं। भले ही आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल हो, लेकिन इसके आसार नहीं है कि वो दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के संग मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेगी। विपक्षी दलों की समस्या ये है कि वो मोदी हटाओ का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस वैकल्पिक एजेंडा या न्यूनतम साझा कार्यक्रम तक नहीं है। चूंकि जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ लेकर विपक्ष को एक करने में जुटे हैं, उनका प्रभाव केवल उनके राज्य तक ही सीमित है, इसलिए वो दूसरे राज्यों में कांग्रेस के लिए मददगार नहीं बन पाएंगे। विपक्षी दल जिस एक मसले पर एकजुट होते दिख रहे हैं वो है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जो कि उन पर हो रही है। इसे लेकर वो धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा मिली है। अब विपक्षी दल सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर चाहे जितनी आपत्ति जता लें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं उन्हें अदालतों से राहत नहीं मिल रही है। इनमें आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं। इस पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई के मामले पर ये सारे नेता एक होते तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है विपक्षी एकता के साथ प्रधानमंत्री पद के साथ आगे बढ़ने की, तब वो एक साथ नहीं दिखाई पड़ते। अब ऐसे में जब विपक्षी एकता की बारी आएगी तो कांग्रेस को ही दिल बड़ा करना पड़ेगा। जिस तरीके की 244 सीटों के फॉर्मूले की बात हो रही है, अगर उस फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले आम चुनाव में भाजपा को मजबूत विपक्ष मिलेगा, अन्यथा फिर पुरानी कहानी दोहराई जाएगी और प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा एक बार फिर विपक्ष के उस फ्रेम को चकनाचूर करती दिखाई पड़ेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।